तो आगे भटकते हुए बेस्ट 43 इंच टीवी इन 2022 ये है आज का हमारा टॉपिक एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इंडिया में 32 इंच के सबसे ज्यादा टीवी सेल होते हैं एंड देन 43 इंच के टीवी सेल होते हैं। इन दोनों के बीच में 40 इंच भी है बट वो इतने ज्यादा सेल नहीं होते। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट 43 इंच टीवी। और यार देखो, बहुत से लोगों को ना सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो मार्केट जाते हैं, कोई सा भी टीवी बाय कर लेते हैं और उसके बाद कुछ का मन करता है ये करने का। और अगर तुम एक टीवी बाय करने के बाद ये नहीं करना चाहते तो बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहो एंड वीडियो के लास्ट में तुम समझ जाओगे कि तुम्हें कौन सा टीवी बाय करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें चार सबसे अच्छे टीवीज के बारे में बताऊंगा विद प्रोस एंड कॉन्स जो कि तुम्हारे डिसीजन को और भी ज्यादा इजी बना देंगे। बट मैं तुम्हें टीवीज की लिस्ट बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, थोड़ा ज्ञान बांटूंगा क्योंकि मुझे ज्ञान बांटने की आदत है। पर अगर तुम चाहो तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। बाय द वे टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि तुम्हें हर कोई नहीं बताता, डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट एंड एंड्रॉइड टीवी। स्मार्ट टीवी एंड एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी दोनों अलग अलग होते हैं, ये तुम्हें हर कोई नहीं बताता। तो यार देखो, अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊं तो स्मार्ट टीवी में तुम्हें ना कुछ लिमिटेशंस मिलती है, सॉफ्टवेयर लिमिटेशंस होती हैं, कुछ लिमिटेड सॉफ्टवेयर ही तुम्हें मिलते हैं, जबकि एक एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी में सॉफ्टवेयर लिमिटेशंस नहीं होती। तुम ना एक एंड्रॉइड फोन की तरह उसमें भी कोई भी एंड्रॉइड एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी में प्ले स्टोर का भी ऑप्शन मिलता है, जबकि नॉर्मल स्मार्ट टीवी में ये नहीं होता। एंड बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं तो एक एंड्रॉइड टीवी स्मार्ट टीवी होता है, जबकि एक स्मार्ट टीवी एंड्रॉइड टीवी नहीं होता। आई होप इन दोनों के बीच में तुम डिफरेंस समझ गए होंगे। और मैंने जितने भी टीवीज आज तक तुम्हें रिकमेंड किए हैं, मैंने एंड्रॉइड टीवीज ही रिकमेंड किए हैं, क्योंकि यार इसमें ना बहुत बेनिफिट रहता है, तुम अपने फेवरेट एप्लीकेशंस भी डाउनलोड कर सकते हो। अब कोई टीवी लेना ही है तो फिर एंड्रॉइड ही क्यों ना लिया जाए। बिल्कुल जैसे कि तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो तो क्यों ना लाइक भी कर दिया जाए। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर तुम अपने घर में ऑफिस में वाईफाई यूज करते हो, वाईफाई मतलब तुम्हारे फोन के वाईफाई की बात नहीं कर रहा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो डेफिनेटली तुम कभी ना कभी अपने टीवी में भी नेट यूज करोगे, इसीलिए तो एंड्रॉइड टीवी ले रहे हो। तो देखना कि तुम्हारे टीवी में डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट होना चाहिए। वैसे अभी ट्रिपल बैंड आने की भी तैयारी हो रही है बट अभी तो काफी टाइम लग सकता है, फिलहाल के लिए डुअल बैंड मिल जाए बहुत है। तो देखना कि 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज दोनों अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि 5 गीगाहर्ट्ज पर इंटरनेट स्पीड कमाल की मिलती है। और अगर तुम अपने टीवी से साउंड बार्स कनेक्ट करने वाले हो या कनेक्ट कर सकते हो, दोनों ही केसेस में देख लेना कि HDMI पोर्ट तुम्हारे को EARC भी मिल जाए, मतलब कि एक EARC पोर्ट अलग से मिल जाए, क्योंकि अगर EARC पोर्ट होता है तो ऑडियो रिकॉर्डिंग काफी अच्छे से हो जाती है, डॉल्बी ऑडियो में तुम्हें मजा आ जाएगा, ओवरऑल तुम एक ना बेस्ट साउंड का एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट अगर तुम्हें साउंड बार्स नहीं लगाने तो फिर दिमाग भी मत लगाओ। वैसे यार देखो, मैं सभी चीजें तो कवर कर नहीं सकता, मैं कुछ ही पॉइंट्स कवर करूंगा, पहले ही बता दूं, वैसे ये पहले नहीं है। देखो टीवीज में ना मेनली तुम्हें दो पैनल्स मिलते हैं, IPS एंड VA, मेनली ये दो ही पैनल्स मिलते हैं। अब IPS का बेनिफिट क्या है कि इसमें तुम्हें कलर्स काफी अच्छे से दिखते हैं एक्सेप्ट ब्लैक, क्योंकि ब्लैक कलर इतना अच्छा नहीं मिलता, दैट मीन्स आर्टिफिशियल ब्लैक होता है, एक रियल ब्लैक नहीं होता। बट यहीं अगर VA पैनल की बात करें तो VA पैनल में आर्टिफिशियल ब्लैक नहीं होता, रियल ब्लैक कलर होता है, बट अदर कलर्स इतने ज्यादा अच्छे से नहीं दिखते हैं VA पैनल में। और अगर तुम IPS पैनल के किसी टीवी को साइड में से देखते हो तो तुम्हें ना कलर लॉस बहुत ही कम मिलता है, दैट मीन्स साइड में से देखने में भी काफी अच्छा लगता है। बट VA पैनल में ऐसा नहीं है, VA पैनल के टीवी को अगर तुम साइड में से देखोगे तो यहाँ पर कलर लॉस ज्यादा होता है एंड साइड में से इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता। तो पैनल ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिस तरह मेरी वीडियोस करती है। बट यहीं IPS ना थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं जबकि VA थोड़े सस्ते होते हैं, सारा खेल पैसों का है बॉस। और लास्ट में एक चीज और बता दूं, क्योंकि तुम 43 इंच का टीवी लेने वाले हो तो तुम्हें फिलहाल के लिए दो ऑप्शंस मिलते हैं, फुल HD या 4K। फुल HD तुम्हें थोड़ा सस्ता मिल जाता है, 4K थोड़ा सा महंगा होता है, बट कौन सा लेना चाहिए? तो देखो यार, फुल HD लोगे पिक्सल्स कम रहेंगे, दैट मीन्स नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी खराब मिलेगी। बट यहीं अगर 4K लेते हो पिक्सल्स ज्यादा रहते हैं, इसकी वजह से तुम्हें पिक्चर क्वालिटी अच्छी मिलेगी। और अगर तुम 25-30 हज़ार रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं कहूंगा कि तुम्हें 4K के साथ ही जाना चाहिए, बट उससे पहले तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा एंड क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए लिस्ट बनाई है यार पूरी, तो देखकर जाना, बिना देखे मत जाना कोई भी, जैसे किसी फंक्शन में से खाना खाए बगैर नहीं जाते हो। और हाँ, अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ लेना, कोई सजेशन चाहिए या देना हो तो भी कमेंट कर सकते हो, शर्माना बिल्कुल मत। चलो लिस्ट शुरू करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं रियलमी के इस स्मार्ट टीवी से। अच्छा डिजाइन है, बेजल्स बहुत ही पतली दी गई है, जिसे ये बेजल लेस डिजाइन कहा जाता है। वैसे ये बेजल्स ना, ये जो मार्केटिंग कर रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा पतली दिख रही है, जबकि मैंने इसे जब रियल में देखा तो बेजल्स मुझे ज्यादा लगी, इतनी भी पतली नहीं है। और इस टीवी में जो सबसे अच्छी बात तुम्हें लगेगी, एक तो ये 4K टीवी है एंड 4K होना भी चाहिए, 43 इंच में फुल HD से काम चलता भी नहीं है। कुछ ब्रांड से दे देते हैं फुल HD बट फिर पिक्चर क्वालिटी भी घटिया होती है,
यानी यहाँ पर 4K के साथ डॉल्बी विजन भी दिया हुआ है और डॉल्बी विजन के साथ डॉल्बी एटमॉस भी है। डॉल्बी विजन का बेनिफिट होता है कि कलर से थोड़े अच्छे से दिखते हैं, थोड़े सेचुरेटेड कलर से दिखते हैं, ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। एंड डॉल्बी एटमॉस होने से तुम ना सराउंडिंग साउंड का एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर अकेले में कोई हॉरर मूवी देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे दोनों साइड से ही भूत आ रहा है। एक टीवी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है डिस्प्ले एंड उसके बाद ऑडियो, एंड दोनों ही चीजें यहाँ पर ठीक ठाक है। और हाँ, डॉल्बी ऑडियो के साथ DTS HD ऑडियो का भी सपोर्ट है। इसके अलावा 24W के स्पीकर्स हैं, बहुत ज्यादा लाउड नहीं होंगे, ठीक है। ब्लूटूथ 5.0 ही यहाँ पर मिलेगा, 5.2 नहीं है, तो ये इसका एक कॉन्स मैं कहूंगा। बट हाँ, तुम्हें यहाँ पर 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, 60Hz रिफ्रेश रेट, डुअल बैंड वाईफाई है, 2GB रैम एंड 16GB स्टोरेज, और ये रन करेगा एंड्रॉइड 10 पर। अपडेट मिलने की कोई संभावना नहीं है। वैसे मैंने बहुत ही कम टीवीज देखे हैं जो कि एंड्रॉइड 10 पर रन करते हैं, और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, एंड्रॉइड 12 भी आ चुका है। वैसे ज्यादातर फीचर्स तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो अपने कानों के साथ ना आंखें भी खुली रखना। चलो लगे हाथ प्रोज एंड कॉन्स भी देख लेते हैं। पहले बात करेंगे कॉन्स की, तो इसमें ना कुछ कंटेंट तुम्हें ऐसे लग सकते हैं कि जहाँ पर कलर्स थोड़े वार्म दिखेंगे, तो कुछ केसेस में तुम्हें कलर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा लग सकता है। इसके अलावा अगर तुम कम वॉल्यूम पर कोई भी कंटेंट देखते हो तो वोकल्स तुम्हें थोड़े सॉफ्ट से लगेंगे। वैसे ये कोई मेजर कॉन्स नहीं है, तुम इन्हें इग्नोर भी कर सकते हो। एंड इसमें HDR10 है ओनली, HDR10+ नहीं है। एंड IPS पैनल होता तो ज्यादा बेटर होता। एंड प्रोस की अगर बात करें तो HDR SDR कंटेंट का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, एंड साथ ही रिमोट का डिजाइन भी काफी अच्छा है, थिन बेजल्स मिल जाती है, एंड कलर ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, जो ये रंग बिरंगे कलर्स हैं ये काफी अच्छे से दिखते हैं। चलो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुसते हैं, ओवरऑल अच्छा टीवी है, तुम इसके साथ जा सकते हो। बट इसके साथ जाने से पहले मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी और भी टीवीज देखने बाकी हैं। अब नेक्स्ट टीवी आता है OnePlus की तरफ से, एंड OnePlus ने बहुत ही अच्छा टीवी लॉन्च किया है, एंड ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ओनली 32 एंड 43 ये दो ही साइजेस में ये अवेलेबल है। फिलहाल 43 इंच की बात करते हैं तो इसका ना डिजाइन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। इसकी बेजल्स ना तुम्हें रियलमी से भी कम मिलेगी, जो इसकी डिजाइन को ऑसम बना देती है। इसमें तुम्हें डॉल्बी विजन तो नहीं मिलेगा, बट OnePlus का जो खुद का गामा इंजन है वो इसमें यूज किया हुआ है, दैट मींस इसमें भी डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी होगी। बट अगर तुम इसे कंपेयर करोगे डॉल्बी विजन से, तो मैं कहूंगा कि डॉल्बी विजन में कलर्स थोड़े ज्यादा अच्छे से दिखते हैं, थोड़े ज्यादा ब्राइट होते हैं। बट हाँ, इसमें ना डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट तुम्हें भरपूर मिलेगा, 20W के स्पीकर्स के साथ, 1GB रैम, 8GB स्टोरेज एंड OnePlus का ऑक्सीजन पिले भी रहेगा। प्रोसेसर इसमें MT9216 जिसमें कि 4 कोर्स रहते हैं, प्रोसेसिंग स्पीड ठीक ठाक मिल जाएगी। और हाँ, इसमें भी VA पैनल है। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो HDR एंड SDR दोनों ही कंटेंट तुम्हारे को अच्छे मिलेंगे, कलर रिप्रोडक्शन इसमें काफी अच्छा है, ऑडियो आउटपुट भी अच्छा मिल जाएगा। हाँ, बहुत ज्यादा लाउड नहीं होने वाले, नॉर्मली तुम घर में तो लगा सकते हो, बट अगर किसी शोर शराबे वाली जगह पर लगाना है तो फिर तुम्हें इसके साथ साउंड बार्स लगाने पड़ सकते हैं। वैसे कितने लोग हैं जो कि साउंड बार्स लगाना पसंद करते हैं अपने टीवीज के साथ, मुझे कमेंट में बताना कि कितने लोग टीवीज के साथ साउंड बार्स यूज करते हैं या करने वाले हैं। एंड एक चीज और तुम्हें इसमें अच्छी लगेगी, अगर तुम OnePlus यूजर हो, अगर तुम OnePlus की स्मार्ट वॉच या ईयरबड्स यूज करते हो, तो तुम उसे ना इस टीवी से बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हो। वैसे अदर ब्रांड्स के ईयरबड्स स्मार्ट वॉचेस भी कनेक्ट कर सकते हो, बट कनेक्टिविटी में थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है या नहीं भी हो सकता, ये डिवाइस की कंपेटिबिलिटी पर डिपेंड करता है। बट हाँ, OnePlus में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इजीली कनेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट तुम ना अपनी स्मार्ट वॉच से टीवी को थोड़ा बहुत कंट्रोल भी कर सकते हो। एंड इस टीवी में मुझे एक कॉन्स लगा कि इसकी पीक ब्राइटनेस कम है, स्पेशली अगर तुम HDR कंटेंट देखते हो तो वहां पर तुम्हें ब्राइटनेस का इशू हो सकता है। अगर रूम बहुत ज्यादा ब्राइट है तो तुम्हें ब्राइटनेस का इशू हो सकता है, नॉर्मली तो आराम से देख सकते हो। और हाँ, एक और चीज की इसके रिमोट पर तुम्हें अलग से हॉटस्टार का बटन भी मिलेगा, जबकि अदर रिमोट्स में ओनली Amazon प्राइम, Netflix इन सभी के बटन होते हैं। अब नेक्स्ट टीवी है और ये भी तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे यार चारों ही टीवीज ना बहुत अच्छे हैं, हो सकता है कि तुम थोड़ा कंफ्यूज हो कि कौन सा लूं, एंड मेरी पूरी कोशिश है कि मैं तुम्हारी कंफ्यूजन दूर कर पाऊं, इसीलिए मैं तुम्हें एक एक फीचर बता रहा हूं, जिसे देखने के बाद तुम ना एक अच्छा सा डिसीजन ले सकते हो। और हाँ, हर कोई ना अपना डिसीजन हमारे साथ शेयर कर सकता है, देखते हैं कौन सा टीवी लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है। ये भी एक 4K टीवी है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट तुम्हें इसमें भी मिलेगा और साथ ही HDR 10 भी रहेगा, 10 प्लस इसमें भी नहीं है। डॉल्बी विजन के साथ डॉल्बी ऑडियो भी मिल जाएगी एंड 30W के स्पीकर से इसमें लगाए गए हैं, एंड साउंड क्वालिटी ना कमाल की है, डुअल बैंड वाईफाई मिल जाएगा, एंड प्रोसेसर भी थोड़ा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ अदर स्मार्ट टीवी से थोड़ा बेटर है। एंड इसका रिमोट ना तुम्हें ऐसा बहुत पुराना सा लग सकता है, बट ठीक है पुराना ही सही, बट इसमें ना फीचर्स तुम्हें ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं, बहुत सारे बटन है। प्रोज एंड कॉन्स की अगर बात करें तो कलर रिप्रोडक्शन इसमें भी बहुत ही अच्छा मिलेगा, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, एंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी तुम्हें इसमें अच्छा लगेगा, शार्प पिक्चर्स देखने को मिली है एंड वैल्यू फॉर मनी है। बट हाँ, तुम्हें ना पिक्चर इशू हो सकता है HDMI डिवाइसेस के साथ में। तो यार ओवरऑल ये स्मार्ट टीवी भी ना मुझे काफी अच्छा लगा है, एंड इसमें ना तुम्हें कम बजट में काफी अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, तो तुम इसे कंसिडर करने के बारे में सोच सकते।
सकते हो। वैसे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाए हैं जो कि मेरे अफिलिएट लिंक्स हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में जो अमेज़न के लिंक है उसके थ्रू तुम कुछ भी बाय कर सकते हो, नॉट ओनली टीवी, तुम्हें कुछ भी बाय करना हो तो तुम उस लिंक का यूज़ कर सकते हो। और वैसे भी कुछ फर्जी वेबसाइट्स भी अभी मार्केट में हैं तो उनसे भी ज़रा बचकर रहना, इस वजह से भी मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालकर रखता हूँ। तो वीडियो छोड़कर जाने से पहले, या कहूँ मुझे छोड़कर जाने से पहले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। नाउ द नेक्स्ट टीवी इज मोटोरोला ZX3। 2018 में मोटोरोला ZX2 आया था जो कि काफी अच्छा टीवी था, एंड इंडिया का पहला टीवी था जिसमें डॉल्बी विजन मिला था। एंड ZX3 भी अच्छा टीवी है, इसमें भी तुम्हें कमाल के फीचर्स मिलते हैं, डॉल्बी विजन मिलता है, डॉल्बी एटमॉस भी मिलेगा। वैसे मैंने तुम्हें चार टीवीज बताए हैं, एंड चार में से तीन में तुम्हें डॉल्बी विजन मिलता है। वन प्लस में नहीं है, बट फिर भी उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है क्योंकि उसमें गामा इंजन है। तो चारों ही टीवीज ना मतलब अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं। मोटोरोला ZX3 की बात करें तो डॉल्बी विजन है, डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है, एंड्रॉइड 10 पर ये बेस्ड होने वाला है। और मैं तुम्हें शुरू में बताना भूल गया कि इसमें भी बेजललेस डिजाइन है, थिन बेजल्स हैं काफी। और एक चीज तुम्हें अच्छी लग सकती है, अगर तुम इसे किसी शोर शराबे वाली जगह पर लगाने वाले हो लाइक रेस्टोरेंट, इसमें ना तुम्हें 44 वाट्स के स्पीकर्स मिलते हैं, तो अगर घर में शादी हो तो डीजे की बजाय इससे भी काम चला सकते हो। ओवरऑल क्लियर एंड लाउड साउंड होने वाला है। हाँ, रिमोट का डिजाइन तुम्हें यहाँ पर पुराना सा ही मिलेगा, बट ऑप्शंस हैं बहुत सारे, अदर फीचर्स स्क्रीन पर पढ़ लेना। तो यार ओवरऑल ये भी ना एक अच्छा स्मार्ट टीवी है, तुम इसके साथ जा सकते हो। चारों ही स्मार्ट टीवीज के बारे में मैंने बता दिया, और मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में कहा था लास्ट में दोबारा कह देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ लेना, हो सकता है कि मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दिए हो। तुम्हारा कोई डाउट अगर रह गया हो तो कमेंट में पूछ लेना, तुम्हारा भाई है तुम्हारे लिए। वैसे अभी तुम्हारे भाई को नींद आ रही है तो पूछ लेना कोई क्वेश्चन हो तो, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और हाँ, कौन सा टीवी बेस्ट लगा ये मुझे कमेंट में सब बताना, देखते हैं कि कौन सा टीवी लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है। चलो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।